हम लोग चलने वाले हैं झारखंड का सबसे बड़ा डैम का टूर करने के लिए। वह डैम है गेतलसुद डैम, जिसे बहुत लोग रुक्का डैम के नाम से भी जानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव, आप देख रहे हैं रांची जोन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज रांची जोन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह डैम जो है वह रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है या फिर रांची डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यह डैम रांची में सिचुएटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जो डैम है वह रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, हालांकि यह रांची डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल सटा हुआ डैम है, क्योंकि जब आप उरमानजी जाएंगे तो उरमानजी जूलॉजिकल पार्क के जस्ट बगल में यह डैम आपको देखने को मिल जाएगा। इसे गेतलसुद डैम कहा जाता है, लेकिन बहुत लोग इसे रुक्का डैम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहां पर जाना चाहते हैं तो यह रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। हालांकि यह डैम रांची रामगढ़ दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन में से एक है, और यहां पर लोग एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में टूर करने के लिए जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं, और खासकर नया साल में यहां पर भारी भीड़ भी उमड़ती है। यहां पर प्रतिदिन मतलब पूरे साल लोग यहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं। बात की जाए इस डैम के बारे में, तो यह डैम जो है 1971 में खोला गया था, और इस डैम की ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। इस डैम में बिजली की भी उत्पादन की जाती है। सुवर्ण रेखा नदी पर सिचुएटेड यह रुक्का डैम मतलब गेतलसुद डैम जो है रांची रामगढ़ के लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ घूमने जाने की, या फिर रांची झारखंड के किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस का टूर करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी लिस्ट में जो है आप यह रुक्का डैम को शामिल करें, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वह बेहद अट्रैक्टिव है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली नजर आएगी और आपको बीच में बेहद ही खूबसूरत डैम नजर आएगा। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जाते वक्त एक बेहद ही खूबसूरत जंगल नजर आएगा, जो बेहद ही अट्रैक्टिव है। आप वहां पर जाने के बाद लगेगा कि आप जो है मनाली या फिर बहुत सारे खूबसूरत जगहों पर पहुंच गए हैं, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन नहीं, ऐसा खूबसूरत जगह झारखंड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद जो है आप बोटिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारे बोटिंग करने की चीजें जो है उसका एंजॉय कर सकते हैं, राइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर पिकनिक बना सकते हैं, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। चारों तरफ हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट यहाँ पर आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको दूर दूर तक फैले हुए हरियाली नजर आएगी और बेहद ही खूबसूरत डैम नजर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद आप इंजॉय करें, तो आपको जो है यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोग जो है खाना पीना खाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर बाइक लेके जाते हैं या फिर गाड़ियाँ लेके जाती है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है आपको पार्किंग के लिए देना होगा, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। बात की जाए यहाँ पर घूमने जाने के लिए कौन सा समय अच्छा होगा, तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक का जो समय होता है वह सबसे ज्यादा अच्छा होता है इस रुक्का डैम में घूमने के लिए। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं इस रुक्का डैम घूमने के लिए, तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक का जो समय होता है उस बीच में आप जाकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यह तो सिर्फ एक ही टूरिस्ट प्लेस है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे रांची झारखंड में आपको टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप न्यू ईयर में घूमना चाहते हैं तो आप जो है उन सभी जगहों को विजिट कर सकते हैं, और शायद आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक हो सकती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए रांची जोन को चेकआउट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।